थोड़ा करना। अच्छे दिन, कैसे अच्छे दिन? अब हम अकेले आदमी कितना कमा लेंगे, खेती हम करते हैं जो कुछ करते हैं। खेती करने वाला किसान सबसे वर्स्ट पोजीशन में है। बच्चे आगे खेती करना नहीं चाहते। हमारे को फोन भी नहीं है, वो रूम नहीं है, जमीन नहीं, को था भी नहीं। दो बच्चा है, यंग यंग एंड के अपने बच्चे को अभी ये काम लड़की चोरी और बात आ क्या भी नहीं। माँ मैं एक के कुली करना उधर रूम को देना, कौन भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता, कौन भी नहीं। माँ पता अच्छे मैं बात करता, अभी को दूसरा क्या भी नहीं। आप मेरे को हेल्प थोड़ा करना, कुली का काम जमीन का में जमीन में एक दिन को 200 रुपए में काम करता बोल रही हूँ। हस्बैंड नहीं, छोड़ के चला गया, छोटा छोटा बच्चा छोड़ के किधर चला गया मालूम। अब है लड़की की शादी करी हमने तो बैंक का कर्जा हो गया, अब बैंक वाले हमें सता रहे हैं। अब हमारी उम्र 60 साल हो गई, क्या करें, खवाना तो है ही है। जब बच्चे हैं घर में, बीवी है तो उन्हें खवाना है, कैसे भी खवाएं, भीख मांग के लाएं या कुछ भी करें, कर्ज करें, पात करें। खेत कियारी रहा कुल ठाकुरन के लूट लिहन। झूठा पूरा मुकदमा कह के अपने नाम कही लिहन फर से ठाकुर। हाँ अब यहाँ आप लोग मांगते नहीं कि ज्यादा? अरे कहा मांगे, मंगबू तो कहा जबरा के आगे, जबरा के आगे तू पाई सकत हो, आमदनी नहीं बत हम कहा जाब लड़ाई बदे, बताओ कौन चीज से लड़ब। आपकी जमीन 9 बीघा रही, 9 बीघा, 9 बीघे में एक बिस्सा नहीं बचा, सब ले लिया, सब ले लिया। अच्छे दिन, कैसे अच्छे दिन? भारत किसानों का देश और किसान की दशा, तो या तो किसान आत्महत्या करेगा और नहीं तो सरकार बदलेगा। मोदी जी ने वायदे किए थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो उनके लिए हुए, हमारे लिए तो हुई नहीं, हमारे लिए तो हुआ नहीं। 14 के बाद से ये हमको लगातार बेवकूफ बनाते रहे। दो हजार 2014 में जब मोदी जी ने घोषणा करी तो हमें इनके ऊपर भरोसा हुआ, हमने इनको वोटें डाल दी, भारी बहुमत से जिता दिया। वो जो कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर उतना इनका कर्जा नहीं है जितना हमारे ऊपर, हमारा भारत सरकार के ऊपर निकलेगा। आज खेती करने वाला किसान सबसे वर्स्ट पोजीशन में है। एक समय था जब खेती करना सबसे अच्छा काम था, लाभप्रद था। Each and every farmer who has come here today in Delhi's Ram Leela Maidan from various parts of the country have their own agenda. From basic facilities like water and housing to oppression by Thakurs. They all have their own unique stories to tell. Their main demands include loan waiver, higher MSP and a special session at the parliament to discuss agrarian crisis.
But what is to be seen is whether the government pays heed to the demands of the people who bring food to our tables.